फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मौसम के बदलने से स्किन बहुत ज़्यादा असर इस पर पड़ता है। ख़ास तौर पर अगर स्किन ड्राई है तो मौसम के बदलने से स्किन पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। तो कुछ कभी कभी क्या होता है कि स्किन अगर ड्राई है तो होंठ भी फटने लगते हैं। बहुत ज़्यादा अगर स्किन ड्राई होते हैं तो होंठ फटने लगते हैं, रूखापन आ जाता है और यही नहीं कभी कभी दर्द भी होता है, खून तक आ जाता है होंठों से। तो आज मैं कुछ ऐसे ही टिप्स लेके आई हूँ जिससे होंठों को मॉइस्चराइज रखने में हेल्पफुल होते हैं ये टिप्स। और हाँ, इसके लिए आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, जस्ट ऐसे रेमेडीज लेके आई हूँ जो कि आपके किचन में ही मौजूद है। ड्राई होंठों की परेशानी को कम करने के लिए ये काफ़ी हेल्पफुल होंगे। तो बिना पैसा खर्च किए आप रसोई में मौजूद इन चीज़ों से अपने इस प्रॉब्लम से छुटकारा पा सकते हो। हाँ, बट आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड बेल आइकन को क्लिक कर दें सो डैट आपको मेरे लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। फटे होंठों के लिए सबसे सिंपल उपाय है एलोवेरा जेल और चीनी, इन दोनों को मिलाकर स्क्रब तैयार करना है। तो एक छोटा चम्मच जस्ट एलोवेरा जेल लेना है और उसमें एक छोटे चम्मच चीनी लेना है। एलोवेरा जेल जो होता है वो नेचुरल मॉइस्चराइज़र होता है और हीलिंग प्रॉपर्टीज़ भी इसमें होती है। तो जस्ट फ्रेश अगर एलोवेरा जेल मिल जाए तब तो और अच्छा है, नहीं तो मार्केट में अवेलेबल होते हैं। तो एलोवेरा जेल में चीनी मिलाना है, चीनी थोड़ा पीस लें, देन उसे आप मिलाएँ और इस पेस्ट को एलोवेरा जेल और चीनी इस पेस्ट को अपने होंठों पर लगाना है। और इसको, हाँ, चीनी ज़्यादा मोटा नहीं होना चाहिए, थोड़ा अगर मोटा है तो चीनी को पहले कूट लें, महीन कर लें, पीस लें एंड देन एलोवेरा जेल में मिलाएं और इसे अपने होंठों में लगाएं। अगर आप रात में यूज़ कर रहे हैं तो सुबह उठ करके अपने फेस को धो लें, नहीं तो आधे घंटे के बाद आप फेस को धो लें। तो इससे क्या होता है कि स्किन मॉइस्चराइज होती है और फटे होंठों की प्रॉब्लम्स दूर होती है। सेकेंड टिप है फटे होंठों के लिए, उसके लिए घी चाहिए और गुलाब जल चाहिए। तो जस्ट आधा छोटा चम्मच घी लेना है, उसमें गुलाब जल ऐड कर लेना है और इसे होंठों पे लगा लेना है। उसके बाद अगर आप रात में लगा रहे हैं तो नेक्स्ट डे इसको वॉश कर लें, नहीं तो आधे घंटे बाद वॉश कर लें। तो अगर रेगुलर रूप से आप इसका यूज़ करते हैं तो इसे होंठ बिल्कुल सॉफ्ट बनते हैं और मुलायम बनते हैं और गुलाबी भी हो जाएंगे। नेक्स्ट टिप है फटे होंठों के लिए, उसके लिए जस्ट खीरा चाहिए। होंठों में ड्राइनेस, अगर ड्राइनेस होंठों की जो ड्राइनेस है डिहाइड्रेशन की वजह से भी हो सकती है, इसलिए पानी बहुत पीना चाहिए। और इसके लिए खीरे का यूज़ करने के लिए जस्ट आपको खीरे का स्लाइस काटना है और होंठों पर 5 मिनट तक के लिए हल्के हाथ उसे रब करना है, रगड़ना है। और ऐसे करने से 2 फायदे होंगे, एक तो होंठ का रूखापन गायब हो जाएगा और दूसरा अगर होंठ काले पड़ गए, टैनिंग हो गए हैं, टैनिंग की वजह से होंठ काले हो रहे हैं, तो इस प्रॉब्लम से खीरा लगाने से ये प्रॉब्लम भी चली जाएगी। फटे होंठों के लिए नेक्स्ट टिप है दूध की मलाई। अगर होंठ बहुत ज़्यादा ड्राई हो गए हैं, बहुत फट रहे हैं, तो दर्द भी कभी कभी क्या होता है कि दर्द भी होने लगते हैं, खून भी निकलने लगते हैं। तो ऐसी हालत में जो दूध की मलाई है उसे आप होंठों पे लगाना है, ठंडा दूध की मलाई। दूध की मलाई को थोड़ी देर के लिए आप फ्रीज में रख दें एंड देन इस मलाई को अगर आप होंठों पे लगाते हो तो रूखापन दूर होता है। और अगर दरारें पड़ जाती है, कभी कभी बहुत ज़्यादा ड्राई होने से होंठों पे दरारें भी पड़ जाती है, तो मलाई लगाने से दरारें भी चली जाएंगी। और ये सबसे सिंपल और आसान घरेलू नुस्खा है। तो दूध की मलाई लगाने से नुकसान भी कुछ नहीं होगा, होंठ के सॉफ्ट भी बनेंगे, मुलायम भी हो जाएंगे और गुलाबी भी हो जाएंगे, और दरारें हो गई हैं तो वो भी चली जाएगी। अगर फटे होंठों पे शहद लगाया जाए तो इससे भी फटे होंठों की प्रॉब्लम दूर हो जाती है। जस्ट आपको शहद लेनी है, उसे 20 से 25 मिनट तक लिए अपने होंठों पे लगा के छोड़ दें एंड देन जब 25 मिनट हो जाए तो नॉर्मल पानी से वॉश कर लें। तो इसे भी ये मॉइस्चराइज करता है शहद, तो ये शहद लगाने से भी फटे होंठों की प्रॉब्लम्स दूर हो जाती है।
फटे होठों पर जस्ट अगर एरोवेरा जेल भी लगा लिया जाए सिर्फ, तब भी फटे होठों की प्रॉब्लम्स दूर हो जाती है। तो जस्ट एरोवेरा जेल लगा ले, या आप चाहें तो उसमें एक विटामिन ई की कैप्सूल को तोड़ के मिला दें एंड देन इसे अपने होठों पे अप्लाई करें और 15 मिनट के बाद आप इसे वॉश कर लें, तो इससे भी होंठ सॉफ्ट हो जाते हैं और ड्राइनेस चली जाती है, रूखापन है वो भी चला जाएगा। और अगर दरारें पड़ गई हैं फटने की वजह से खून आ रहा है या दर्द हो रहा है तो वो भी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएगी। और अगर होंठों पे टैनिंग हो गई है, कालापन हो गया है, तो एरोवेरा जेल लगाने से वो भी ठीक हो जाएंगे। फटे होंठों के लिए घी के अलावा आप सफ़ेद मक्खन जो होता है उसको भी लगा सकते हैं। तो सफ़ेद मक्खन को भी लगाने से, अगर जो सफ़ेद मक्खन निकलता है उसे भी अगर आप अपने होठों पे लगाते हैं तो रूखापन कम होता है इसे। और जैसे इसके लिए मक्खन चाहिए होता है, आप चाहे तो उसमें एक चुटकी चीनी मिलाते हैं, दोनों को मक्खन और चीनी दोनों को मिक्स कर दें एंड देन इसे हल्के हाथों से स्क्रब करते हुए अगर होठों पे लगाते हैं एंड देन 15 मिनट बाद धो लें तो इसे भी ये रूखापन होठों का जाता है और फटे होठों की प्रॉब्लम से निजात मिलता है। ओके फ्रेंड्स, इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होंगे एक और रेमेडीज के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।